नेपाल की संसद में नेपाल का नया नक्शा पास हो चुका है, जिसको लेकर भारत ने सख्ती भी दिखाई, लेकिन फिर भी कुछ हो न सका। जब नेपाल की तरफ से भारत के 3 इलाकों पर दावा किया, जी हाँ, वो 3 इलाके नेपाल के हिस्से में बताए गए, जिनमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा का नाम शामिल है। बता दें कि नेपाल ने जब मानचित्र की पेशकश की थी, तब काफी तनातनी बढ़ी, जिस कारण सीमाओं पर दोनों देशों के सैनिकों ने सख्ती भी की, और ये तनातनी इतनी बढ़ गई कि नेपाली पुलिस के द्वारा सीतामढ़ी में भारतीय किसान की हत्या और अन्य किसानों को घायल कर अगवा करने की घटना भी घटित हुई, जिस कारण जिले के 130 किलोमीटर लंबे इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाली और भारतीय नागरिकों में काफी आक्रोश देखा गया। एक तो पहले से ही कोरोना महामारी को लेकर क्षेत्र में लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, और वहीं अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल के नागरिक दोहरी मार झेलने को मजबूर हो चुके हैं। नेपाली नागरिकों की माने तो नेपाली पुलिस कर्मियों के द्वारा भारतीय किसान की हत्या और बर्बरता को लेकर वो काफी दुखी हैं। इन लोगों का कहना है कि नेपाल में कुछ नहीं मिलता, भारत की जमीन जहां से खाने पीने की खाद्य सामग्री इन लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिस कारण इन लोगों के घर का दो वक्त का चूल्हा जल पाता है और भोजन कर पाते हैं। बता दें कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर बसे नेपाली नागरिकों की जीविका का मुख्य साधन व्यापार है, और ये लोग व्यापार करके ही अपनी दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। अच्छा नहीं है, हमारे समाज के लिए बेटी रोटी का संबंध है, यह जो है बहुत दुख और बहुत दर्द हो रहा है हम लोगों को। जो घटना हुई है इसमें हम लोग बहुत भयभीत हैं कि कल क्या हो जाएगा, हम लोग बॉर्डर पर आने से डरते हैं। नेपाल के नागरिक हैं? जी सर, नेपाल के नागरिक। इस घटना के बाद से इन लोगों के सामने भारी भुखमरी की स्थिति बन गई है। आपको बता दें कि नेपाल से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सारे रास्ते सील कर दिए गए हैं, जिस कारण इन लोगों को भारतीय बाजारों से खाद्य सामग्री खरीदने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इन लोगों ने नेपाल सरकार की जमकर आलोचना भी की है। वहीं दोनों देशों के नागरिकों ने ओली सरकार पर चीनी सरकार के इशारे पर चलने का आरोप लगाते हुए तीव्र निंदा की और जल्द से जल्द समस्या समाधान की मांग की है। ये जो घटना हुई है अभी सीमा पर, भारत नेपाल सीमा पर, बड़ा ही दुखदाई है। यहाँ के लोग का रिलेशन, वहाँ रोटी बेटी का संबंध है, ये पूरा बॉर्डर खुला हुआ बॉर्डर है, और नेपाल निश्चित रूप से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है, जहाँ सारी सुविधाएं। वहीं त्रेता युग में भारत का संबंध स्वयं भगवान राम ने नेपाल से जोड़ा था, तब से लेकर आज तक नेपाल में भारत के द्वारा सुई से लेकर भारी मशीन और खाद्य सामग्री की आपूर्ति होती है। आने वाले समय में भारत और नेपाल में अब कैसे संबंध रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।